गुंडई के किस्से तो आपने कई सुने और देखे होंगे, लेकिन जौनपुर के पूर्व एमएलए के बिगड़ैल जादे की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं बल्कि सीधे गोली मार देता है और फिर चलता है राजनीति की बिसात पर रसूख की चाल, जहां फरियादी की गुहार दबकर रह जाती है क्योंकि वो कानून को अपनी काली कमाई के तराजू पर तौलना जानता है। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, नाम है मनोज सरोज और दूसरे का संजय सरोज। एक गुंडा है और दूसरा नेता। इलाके में तूती दोनों की बोलती है, क्योंकि जौनपुर की तहसील किराकत के पूर्व विधायक पिता सुमारू सरोज ने काफी मेहनत की है इनकी गुंडाई के पीछे, इन्हें दबंग बनाने के पीछे। जब तक पिता का दखल सरकार में था, तब भी गुंडा बेटा मनोज सरोज इलाकाई लोगों पर रौब गालिब करता था, और आज सरकार जाने के बाद गांव में तांडव मचाता है, खौफ का पर्याय बनकर गरीब लोगों पर कहर ढाता है, जिसके आतंक से आसपास के सभी गांव के लोग अलकान। क्योंकि गुंडा मनोज सरोज आपसी संवाद पर यकीन नहीं करता, बल्कि उसे एक ही बोली आती है, बारूदी गोली की भाषा। क्योंकि किसी को गोली मारना तो उसके लिए मामूली बात है। शौक में मौत का पिस्टल लेकर चलने वाला गुंडा मनोज सरोज को पता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पुलिस उसकी जेब में है, कानून उसकी हाथों का खिलौना है जिससे वो जब चाहे खेल सकता है। पूर्व विधायक पिता सुमारू सरोज के रसूख का इस्तेमाल करना गुंडा बेटा मनोज सरोज अच्छी तरह से जानता है। छोटा भाई संजय सरोज भी सपा पार्टी में राजनीतिक भविष्य तलाश रहा है, जो सपा का नेता भी है, तो ऐसे में भला कोई गुंडे मनोज के खिलाफ बोलकर कैसे निकल सकता है। और अगर किसी ने भूलवश गुंडे मनोज के खिलाफ चूतक करने की कोशिश की, उसकी हालत ऐसी बना दी जाती है कि जिंदगी और मौत से संघर्ष करने की नौबत आ जाए। आज गुंडे मनोज की गोली से जख्मी हुए मुरारा गांव के रहने वाले जितेंद्र सरोज की हालत नाजुक है, क्योंकि जितेंद्र को पूर्व एमएलए सुमारू सरोज के गुंडे बेटे मनोज सरोज की गोली लगी, जिसकी नाजुक हालत को देख जख्मी जितेंद्र को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर भेजने की तैयारी की गई। आशंका में की थी कि उनको जो है जो दूसरा पार्टी है वो शराब की सप्लाई कहीं कर रहा है, और उसमें जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। जिसको गोली लगी थी वो कतरे के बाहर है, गोली उसके हाथ में लगी। कार्रवाई जो पुलिस नियम के हिसाब से कर सकती है, सबसे पहले उनका असलहा हम लोग निरस्त कराएंगे। उनको 307 के मुकदमे में जेल भेजा गया है, और इस तरह की घटनाओं में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस दृष्टिकोण से उनके ऊपर और भी कार्रवाई की जाएगी, एनएसए भी लगाया जा सकता है। पूर्व विधायक के गुंडे बेटे मनोज सरोज की आसपास के पूरे गांव में दबंगई चलती है। किराकत का बच्चा बच्चा जानता है कि गुंडा मनोज किस हनक में रहता है। गरीब दुखियारों के सरोकारों को कुचलकर उनकी इच्छाओं का दमन करती, उनके हक हत्याकर काली कमाई से अपनी तिजोरी भरता है, शराब के ठेके से मोटा मुनाफा कमाता है, गरीबों पर सितम ढाता है, जिससे आसपास के गांव के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं। लेकिन किसी की मजाल नहीं कि कोई रसूख के दम पर उछलने वाले गुंडे मनोज सरोज के खिलाफ चूं तक करने की हिमाकत कर सके, चाहे वो पतौरा का बाशिंदा हो या फिर मुरारा। क्योंकि मुरारा निवासी जितेंद्र से किए गए सवाल के एवज में भारी जवाबदेही किया है, तो उसने वही कहा जो सच था। सच ये था कि घर के पास खड़ी ट्रक को देख शख्स से घिरे गुंडे मनोज सरोज ने जितेंद्र से ये जानने का प्रयास किया कि ट्रक में शराब है, लेकिन ट्रक तो खाली थी, उसमें कुछ नहीं था। बस इतनी सी बात को लेकर पूर्व एमएलए के खूंखार बेटे मनोज सरोज ने जितेंद्र के जिस्म में दनादन गोलियां उतार दी। मैं घर पे खाना खा रहा था बैठ के, तब तक वो मनोज बुलेट से आया गाड़ी के पास, और वो उधर दुकान पे खड़ा था, पेशाब करने लगा। मैं गया वहाँ देखने के लिए, तो बोल रहा गाड़ी की रस्सी थी, तो मैं बोला कि गाड़ी खाली है, खोल जल्दी, पापा आ गए उनको मारने के लिए। मारने के बाद मैं गया वहाँ पे छोड़ा के, उसको हटा रहा था, तो घर के आगे थोड़ा ब्रेकर है, ब्रेकर के पास उसको धक्का दे के भगाया, मैं तब तक वो गोली निकाल के मार दिया। मैं मनोज समारू विधायक का लड़का है, छोटा।
जौनपुर के पूर्व विधायक सुमारू सरोज के गुंडे बेटे मनोज सरोज का आतंक इतना बढ़ चुका है कि उसके नाम से लोग खौफ खाते हैं, क्योंकि ये ऐसी पहली घटना नहीं कि शराब के ठेके और उसकी खरीद फरोख्त के विवाद में गुंडे मनोज ने बेगुनाह जितेंद्र को गोली घर में घुसकर मारी। इस घटना से पहले भी मनोज सरोज ने पतौरा गांव के एक बाशिंदे को गोली दाग दी। उस वक्त राजनीतिक विसात पर मनोज सरोज ने मामले को रफा दफा कर दिया था। शाम दाम दंड भेद का दाव चलकर फरियादी की गुहार को दबा दिया था। मनोज सरोज का भाई संजय सरोज सपा नेता है, जो बड़े भाई मनोज सरोज की गुंडई की फर्क को राजनीतिक संरक्षण देता है। ऐसे में चौकी से लेकर थाने तक की पुलिस को प्रभावित करने का दम रखने वाले पूर्व MLA सुमारू सरोज के बारे में यह कहना गलत न होगा कि आज भले ही पुलिस ने जितेंद्र सरोज को गोली मारने वाले मनोज सरोज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 323, 504, 506, 307 के तहत केस कायम किया, लेकिन पूर्व MLA सुमारू सरोज और बेटे संजय सरोज गुंडे मनोज सरोज को छुड़ाने की पूरी ताकत झोंकने की जुगत लगा रहे होंगे, क्योंकि कानून से खेलना तो उनकी पुरानी आदत है। जावेद अहमद, जौनपुर, समाचार।